प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीमा जोखिम एवं उनके प्रकार। जैसा कि आपने बीमा की विशेषताएं पढ़ते वक्त जब उनको समझाया गया था तो यह देखा था कि बीमा मूलतः जोखिम हस्तांतरण की एक विधि है, अर्थात बीमित एक निश्चित प्रीमियम के बदले अपनी जो जोखिम होती है उसका हस्तांतरण बीमाकर्ता को कर देता है और बीमाकर्ता उस प्रीमियम रूपी प्रतिफल जो कि बीमित देता है के बदले उसे एक सहयोगिक वचन देता है कि अगर वो जोखिम जिसका कि बीमा किया जा रहा है उत्पन्न होने से बीमित को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति बीमित को कर दी जाएगी। अब जोखिम है कितनी प्रकार की होती है, जोखिम अगर स्पष्ट करना हो कि जोखिम क्या है तो हम इसे कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ हम यह कह सकते हैं कि हानि या क्षति की संभावना जोखिम है, अथवा हानि उत्पन्न होने की अनिश्चितता जोखिम है, और यदि बीमा के संदर्भ में बात करें तो भावी हानि की संभावना जो कि गणना योग्य हो को जोखिम कहते हैं। सामान्यतः जोखिम के संदर्भ में दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक क्षतिकारक अर्थात पेरिल्स, और पेरिल्स का जो तात्पर्य है, क्षतिकारक जो तत्व होते हैं उनका जो तात्पर्य है वह यह है कि क्षतिकारक उन कारणों को या कारकों को कहते हैं जिनसे कि क्षति उत्पन्न होती है, जैसे अग्नि, दुर्घटना, चोरी, इन्हीं के नाम से बीमा के प्रकार भी होते हैं, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, चोरी बीमा। तो ये क्षतिकारक प्रीफिक्स हैं जो बीमा के साथ लगते हैं, जैसे बर्गलरी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, ये सारे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। दूसरा शब्द है बीमा संकट अर्थात हैजार्ड्स। अब ये जो बीमा हैजार्ड्स हैं, बीमा संकट, जिससे कि तात्पर्य होता है उन मानसिक भौतिक दशाओं अथवा स्थितियों से जो कि क्षतिकारकों को जन्म देती हैं अथवा उन्हें बढ़ा सकती हैं, जैसे कि ज्वाला को जन्म दे सकने वाली अथवा भड़काने वाली प्रक्रिया, जैसे केमिकल, वेल्डिंग, भट्टी पर कार्य, खुली विद्युत लाइनें आदि, अथवा जलनशील पदार्थ का व्यापार, भंडारण या परिवहन, जैसे कि मान लीजिए आप LPG का विक्रय कर रहे हैं या परिवहन कर रहे हैं, लकड़ी का गोदाम है, लकड़ी या पेट्रोल का परिवहन कर रहे हैं, डीजल या केरोसिन का व्यापार करते हैं या परिवहन कर रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, स्वयं ही देखिए पेट्रोल पंप पर कितने सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं, मिट्टी भरी हुई बाल्टियाँ 5 जो अनिवार्यतः उनको लटका कर रखनी पड़ती हैं, पानी का प्रबंध रखना पड़ता है, वाटर टैंक, ये सारे प्रबंध इसलिए, और साथ में ऐसी पट्टियाँ भी लगानी पड़ती हैं कि धूम्रपान निषेध है, कृपया गाड़ी को तेल भरवाते समय चालू न रखें, कृपया मोबाइल का प्रयोग न करें, ये सब इसलिए कि दैट इज़ हाईली सेंसिटिव प्लेस, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्थान है, और ज़रा सा ऐसा कोई भी इग्निशन अगर मिल गया तो वहाँ ज्वाला भभक पड़ेगी। तो पेट्रोल, डीजल, लकड़ी ये शीघ्र ज्वलनशील हैं, और ये अगर इनमें व्यापार कर रहे हैं, इनका परिवहन कर रहे हैं, तो ये हैं हैजार्ड्स। इनके कारण अगर कहीं स्पार्किंग हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, और वो कपड़े का गोदाम है, लकड़ी का गोदाम है, मान लीजिए पेट्रोल पंप है, तो वहाँ ज्वाला भड़कने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये कहलाते हैं बीमा के संकट, हैजार्ड्स ऑफ इंश्योरेंस। अब हम इनके विभिन्न प्रकारों को देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले अपन लेते हैं बीमा संकट। बीमा संकट कितने प्रकार के होते हैं, अब वैसे इनको 4 भागों में अपन विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जैसे अपन कहते हैं भौतिक संकट। अब भौतिक संकट क्या होंगे, भौतिक संकट वो होते हैं जो कि बीमा की जो विषय वस्तु होती है उसके
भौतिक लक्षणों के एपेरेंट जो फीचर्स होते हैं उसके उनके कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में ये बीमा के विषय वस्तु की वो मूलभूत लक्षण होते हैं जो कि हानि की संभावना उत्पन्न करते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको दोनों आँखों से नहीं दिखता हो, उसके कुएं में गिर जाने का भौतिक संकट हमेशा विद्यमान है, उसके खड्डे में गिर जाने का भौतिक संकट विद्यमान है, उसके किसी वाहन के चपेट में आ जाने का भौतिक संकट विद्यमान है। यद्यपि उन्हें दिव्य शक्ति ईश्वर की दी हुई होती है, लेकिन फिर भी ये जो शारीरिक दोष है, हम तो इसको इंश्योरेंस की भाषा में भौतिक विशेषता ही कहते हैं, ये विशिष्ट लक्षण उसके शरीर का इन संभावनाओं को बढ़ाता है और उसकी मृत्यु की संभावना इन कारणों से अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति ने जीवन बीमा कराया हुआ है और अगर उसकी कोई हेल्थ हिस्ट्री ऐसी है कि मान लीजिए उसके परिवार में सभी को हार्ट डिजीज रही हुई होती है, कोई अचानक मान लीजिए किडनी की इनहेरिटेड डिजीज चल रही है, या ऐसा कुछ है कि क्रॉनिक डिजीज से वो ग्रस्त है, जैसे अस्थमा हो गया, मिर्गी हो गया या टीबी हो गया, तो फिर ऐसा व्यक्ति मृत्यु को जल्दी प्राप्त कर सकता है। न करे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आसन्न संकट रहता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, या उसका शरीर बहुत दुर्बल हो, इम्यूनिटी बहुत वीक हो। अभी आपने कोरोना काल में इम्यूनिटी वर्ड बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी बूस्टर लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खाइए, ये पीजिए, ये व्यायाम कीजिए, ये योगा कीजिए। तो दुर्बल शरीर जो कि अचानक जो कि शीघ्रता से रोग को ग्रहण कर सकता है, जिसमें कि इम्यूनिटी बहुत कम है, वो बीमाकर्ता के लिए एक भौतिक संकट है। या आपका पेशा ऐसा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सेना में है, कोई ड्राइवर है, कोई ट्रैकिंग करता है, शौक याना पेशा नहीं है लेकिन ट्रैकिंग उसका शौक है। हॉबीज कई बार ऐसी खतरनाक होती हैं व्यक्ति की, आप मान लीजिए स्विमिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये तो हुए मान लीजिए जीवन बीमा अगर करा रखा हो तो उसके संबंध में भौतिक संकट। अगर आपने अग्नि बीमा कराया है तो जैसे मान लीजिए आपने दुकान का या मकान का अग्नि बीमा कराया है, अब उसके कंस्ट्रक्शन में वुडन वर्क बहुत ज़्यादा है तो स्वाभाविक है अगर आग गलती से लग गई तो तेजी से फैलेगी और बहुत ज़्यादा क्षति करेगी। या मान लीजिए आपने कार्डबोर्ड के दरवाजे, पार्टीशन इत्यादि बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, निश्चित रूप से आग, चूँकि वो आग को पकड़ेंगे, उनके कारण अंदर रखा हुआ सामान आग पकड़ेगा, हीट से नुकसान होगा, धुएं से नुकसान होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर वुडन है या प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो स्वाभाविक है कि नुकसान ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ अ फिजिकल हैजार्ड फॉर ए इंश्योरर। ये एक निश्चित रूप से बीमाकर्ता के लिए भौतिक संकट को उत्पन्न करता है। या ऐसा हो कि भट्टी वाली कोई प्रक्रिया चल रही है, या कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है जिससे चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, या पटाखे की दुकान है, या दमकल जहां से फायर ब्रिगेड आती हैं वो ऑफिस वहां से बहुत दूर है, अगर आग लग जाती है तो बुझाने के लिए प्रयत्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या इतना संकुचित लोकेशन है, संकुचित उसकी अप्रोच रोड है कि केवल एक ही छोटा वाहन तिपहिया ऑटो एक बार में एक साइड से आ सकता है और दूसरी साइड वाले को वापस पूरा पीछे जाना पड़ेगा, अब उसमें फायर ब्रिगेड एंटर तो कर नहीं सकती, इतना लंबा पाइप की अप्रोच बनाने में इतना समय लग जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है या नहीं भी है तो अन्यथा जितना नुकसान होता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इस कारण से होगा कि उसकी लोकेशन बहुत ही संकुचित क्षेत्र में है। तो ये एक भौतिक संकट है। समुद्री बीमा में अगर जहाज बहुत पुराना है, उसकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, या यात्रा का जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, या आप अगर ये देखें कि ऐसे मार्ग से वो जा रहा है जहाँ दुश्मन देश की सीमाएं लगती हैं, कभी भी युद्ध छिड़ जाए तो दिक्कत है, समुद्री तूफान है, हवा से प्रभावित होने वाला
माल की पैकिंग ऐसी हो कि जल्दी से माल क्षतिग्रस्त हो जाएगा या जरा सी नमी से माल की उपयोगिता नष्ट होने का खतरा है, तो ये सारे भौतिक संकट समुद्री बीमा में विद्यमान रहते हैं। अब विविध बीमाओं में भी अगर आप देखेंगे तो एक्सीडेंटल जैसे इंश्योरेंस है। अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में आप या तो किसी ऐसी प्रक्रिया में काम कर रहे हो जैसे ट्रॉली में आप इधर से उधर जाते हो या खंभे पर चढ़कर काम करते हो या किसी कारखाने में जैसे जिसमें कि सामान ले जाया जाता है या मेंटेनेंस चेक की जाती है उसमें ट्रॉली से इधर से उधर आप करते हैं, कभी ट्रॉली फेल हो गई, तार टूट गया तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, या ट्रॉली पर ऊपर जाकर आप यंत्रों को चेक कर रहे हैं वहाँ से जरा सा स्लिप हो गए तो आप गिर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना बीमा का यह भौतिक संकट है। अब मान लीजिए आपने चोरी या डकैती बीमा कराया है तो आपके पास अगर बहुत मूल्यवान चीज़ें जो कि बहुत कम भार की हैं, बहुत छोटे आकार की हैं, जिसको ओवरकोट की जेब में डालकर, मुट्ठी में बांधकर या पोटली बनाकर ले जाकर भागा जा सकता है, तो आपके यहाँ चोरी का डकैती का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जैसा कि आपने देखा है चोरी डकैती में बड़ा माल कोई नहीं ले जाता, सोना कैश ऐसी चीज़ें ले जाते हैं, ये चूंकि हल्की होती हैं इजीली कैरी की जा सकती हैं, अगर ऐसी चीज़ें आपके पास घर में ज़्यादा रखी हैं तो ये बीमाकर्ता के लिए भी बहुत बड़ा जोखिम है और बहुत एक संकट है। दूसरा जो प्रकार होता है संकट का वो है नैतिक संकट। अब नैतिक संकट जो बीमित के व्यक्तिगत लक्षण या सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। अब ये कोई अपन इनको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर सकते या विशिष्ट रूप में ये नहीं कह सकते कि बस ये केवल इतने ही होते हैं या ऐसे ही होते हैं। जनरली नैतिक संकट को ट्रेस करना भी, पता लगाना इसका भी बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। अभी आपको रिसेंट उदाहरण दूँ तो मान लीजिए आप जैसे अभी आपने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का शोर सुना है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होती, अब रिया उसके साथ रहती थी लिव इन रिलेशनशिप में, अब वो तो ये कहती है कि मैं अगले व्यक्ति की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसकी केयर टेकर के रूप में उसको जो चीज़ की आवश्यकता थी जिसके कारण वो विचलित हो सकता था, मान लो ड्रग्स ही थी, मैं तो उसकी वेलबींग के लिए उनके अरेंजमेंट करती थी, अब क्या पता वेलबींग के लिए करती थी तो। लेकिन इसमें नैतिक संकट एक क्या है कि इसकी आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले व्यक्ति को हमेशा अचेत अवस्था में रखना ताकि घर के अंदर फिर बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसकी उसे भनक तक ना लगे, उसके बारे में वो ज़्यादा जागरूक नहीं हो, उसकी ऑब्जर्वेंस ख़त्म हो जाए, ये भी एक संकट हो सकता है। तो जो व्यक्ति आपके निकट है विश्वसनीय है तो बहुत लाभदायक हो सकता है, अविश्वसनीय है तो उतना ही हानिकारक हो सकता है। इसके बारे में एक सेइंग भी है कि विकेट कीपर जो आपके सबसे नज़दीक होता है वही स्टंपिंग कर आपको मैदान से बाहर कर सकता है। तो जो जितना आपके निकट है वो उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आपके होता है। अब ये नैतिक संकट एक तो ये हो सकता है कि बेईमानी कर दे कोई व्यक्ति, जबरदस्ती जैसे बीमा का दावा तैयार कर दिया जबकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और क्षतिपूर्ति करवा ली और बीमा का पैसा उठाने के लिए कुछ भी कर दिया, मान लीजिए इसमें एजेंट से मिली भगत कर दी, सपोज करो 1,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति आप ले रहे हो, आपने एजेंट को यह प्रलोभन दे दिया कि 40,000 तेरे, तो अब बिल्कुल फर्जी दावा आपने उठा लिया, एजेंट ने उसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये लॉस इनका हुआ है और एसेसर को 40,000 में से 10,000 एसेसर को दे दिए, एसेसर जो एम्पैनल्ड होते हैं वो ये काम कर देंगे आसानी से, बस उसको एक सर्टिफिकेट देना है कि यस द टोटल असेसमेंट ऑफ लॉस इज 1,00,000, तो आपको 1,00,000 की क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये बेईमानी हो गई बीमाकर्ता के साथ, ये संकट रहता ही है, बेईमानी कोई भी कभी भी कर सकता है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति सच्चरित्र होगा, चरित्रवान होगा, नैतिकता ईमानदारी सत्य निष्ठा में विश्वास रखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा संकट है। असावधानी हो सकती है,
कई जने ये सोच लेते हैं कि जब मैंने बीमा करा लिया, जैसा कि शुद्धतः अपन पढ़ते हैं कि बीमा जोखिम के हस्तांतरण की विधि है, मैंने प्रीमियम देकर अपना जोखिम बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल, आपकी कार बाहर खड़ी है, किसी ने कहा कि भाई ये बाहर खड़ी है, इसको थोड़ा सा यहाँ खड़ा कर दो, इसको थोड़ा कवर कर दो, कल को कोई उठाकर ले जाए, इसमें लॉक सिस्टम लगा दो, इसमें सायरन लगवा दो। आपका जवाब होता है, अपने क्या जाता है, अपना तो बीमा है, रोएगा बीमा करता। तो अब ये क्या है, ये है लापरवाही, असावधानी। और अगर आपकी असावधानी से बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति करनी पड़ जाए तो यह एक नैतिक संकट के कारण उत्पन्न क्षतिपूर्ति होगी, क्योंकि आपने जानबूझकर लापरवाही उपेक्षा की अपने वैधानिक दायित्व की। बल्कि मैं यहाँ कहूँगा वैधानिक दायित्व, क्योंकि क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत होता है। आप ये हर संभव कोशिश करेंगे बीमा कराने के बावजूद भी कि जिस क्षति के विरुद्ध बीमा कराया गया है, संभावित क्षति के विरुद्ध, यथासंभव उत्पन्न न होने पाए, और उत्पन्न हो जाती है तो न्यूनतम संभव उसको किया जा सके। कई बार बीमित जटिल प्रकृति के होते हैं, उनके कारण भी नैतिक संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपके दुर्घटना वास्तव, मतलब जिस जोखिम के विरुद्ध आपने बीमा कराया था वो वास्तव में उत्पन्न हुई, क्षति उससे हुई है, लेकिन आप क्षति को एग्जीग्रेट करवाते हैं एसेसर से। अब ऐसा अगर करवाते हैं तो ये गलत है, या फिर आप बीमा लाभ लेने के लिए उस क्षति को होने देते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपका जो व्हीकल है इस तरह से डैमेज हुआ कि इसकी तो पार्शियल क्षतिपूर्ति मिलेगी, और इतनी हो जाए तो पूरा नए जो व्हीकल है उसका कंपेंसेशन आपको मिल जाएगा, जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू जितनी 100% बनती है, तो आपने बाकी का काम आपने कर दिया। तो ये होता है बीमित की जटिल प्रकृति के कारण, कुत्सित मानसिकता के कारण। औद्योगिक संबंध ठीक नहीं हो तो आप जानते हैं हड़ताल, तालाबंदी और जोर जुलम की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, पत्थर फेंके जा सकते हैं, आग लगाई जा सकती है, गेट तोड़े जा सकते हैं, या कुछ भी किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति किसको करनी पड़ेगी, बीमित को। या ऐसा कभी हो जाए कि जैसे ऐसे सामाजिक आर्थिक वातावरण उत्पन्न हो जाए कि मान लीजिए इस समय कोरोना काल में, जैसा कि वर्तमान में भी आंकड़ा आ रहा है कि 10 करोड़ लोग कम से कम बेरोजगार हो गए हैं, और उसमें से 2.5 करोड़ लोग तो नौकरी पेशा थे। अब मान लीजिए नौकरी पेशा लोगों को तो दोबारा जल्दी से नौकरी मिलेगी नहीं, मजदूर आदमी है वो तो कम मजदूरी लेकर हो सकता है कहीं दोबारा से काम करने लग गया हो, रेहड़ी वाले ने हो सकता है छोटा मोटा कहीं फुटपाथ पर अपना काम शुरू कर दिया हो, लेकिन जिसकी नौकरी गई है उसको तुरंत नौकरी अभी इस कोरोना काल में तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सबके धंधे ठप पड़े। तो ये लोग लंबे समय तक जो योग्यता तो रखते हैं, लेकिन रोजगार के अवसरों के कारण, अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण इनके लिए कमाई के अवसर नहीं है। अब ये गलत तरीकों के अग्रसर होने का इनकी पूरी संभावना रहती है, वो भी बीमाकर्ता के लिए नैतिक संकट है, क्योंकि ये अब चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल्स तो हैं ही, बुद्धि तो इनमें है ही, उस बुद्धि का नेगेटिव प्रयोग किया नहीं और चोरी और डकैती की घटनाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई नहीं, और इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीमाकर्ता को जिसने कि इनका बीमा कर रखा है। फिर होते हैं इंटरनल हैजार्ड्स। इंटरनल हैजार्ड्स हैं जैसे एजेंट ने गलत दावों को स्वीकार करवा दिया, एजेंट ने कोई ऐसे तथ्यों को छिपाने के लिए बीमित से कह दिया जो कि तथ्य उसको तो ज्ञात थे, लेकिन उसको ये पता था कि अगर इनको उजागर कर दिया तो प्रीमियम ज़्यादा लगेगा या हो सकता है बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तो ये इंटरनल हैजार्ड्स हैं। कुछ कानूनी संकट भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार सरकार ऐसी चीज़ों का बीमा करने के लिए कह देती है जिनके लिए कि बीमाकर्ता कॉमर्शियली अन्यथा तैयार नहीं था। जैसे बीमाकर्ताओं से अगर स्वेच्छा से पूछा जाए तो वो फसल बीमा नहीं करना चाहते, पशुधन बीमा नहीं करना चाहते, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता का संकट रहता है, लेकिन कानूनी रूप से उन्हें बाध्य किया जाता है कि उनको इतना परसेंट टोटल बिजनेस का
ये बीमे करने पड़ेंगे, फसल बीमा उनको करना पड़ेगा, कैटल इंश्योरेंस मवेशियों का बीमा उनको करना पड़ेगा। तो फिर बीमाकर्ता के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि परमिशन उसको सरकार से ही लेनी पड़ती है बीमा व्यवसाय संचालन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये उसके लिए एक भौतिक संकट का काम करेगा। तो ये तो वे संकट जो कि बीमित जोखिम के उत्पन्न होने की संभावना को बढ़ाते हैं, और उत्पन्न हो जाए तो उसको बहुगुणित कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इंश्योरेंस हैजार्ड्स, हैजार्ड्स ऑफ इंश्योरेंस या इंश्योरर। और दूसरा होता है जोखिम। अब जोखिमों को आप ये देखिए, हम विषय वस्तु के आधार पर देखते हैं कि हम जिस चीज़ का बीमा कराते हैं, जिन चीज़ों को विषय वस्तु के आधार पर जोखिमें कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे संपत्ति की, दायित्व की अथवा व्यक्तिगत जोखिमें हो सकती हैं। अब संपत्ति संबंधी जोखिमें जैसे संपत्ति की चोरी नहीं हो जाए, संपत्ति नष्ट नहीं हो जाए भूकंप से, बाढ़ से, तो ये संपत्ति के संबंध में जोखिमें हो सकती है, जहाज डूब नहीं जाए। दायित्व संबंधी जोखिमें होती हैं, जैसे आप मान लीजिए वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि आप जानते होंगे कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य यह है, अगर आपने केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर, क्षतिग्रस्त हो जाने पर, चोरी हो जाने पर आपका रिस्क कवर नहीं है। थर्ड पार्टी केवल इंश्योरेंस अगर है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने आपकी गलती से किसी को टक्कर मार दी और अन्य किसी तीसरे पक्षकार को आपके वाहन से या आपकी गलती से, गलत ड्राइविंग से नुकसान पहुंचा है, तो उसको अगर आपका उसके प्रति जो दायित्व उत्पन्न होता है उसका बीमाकर्ता करता है। मान लीजिए 2 लाख रुपए का आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया, आपने किसी के बाइक, आप गाड़ी में जा रहे हैं कार में, और आपने किसी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, वो क्षतिग्रस्त हुआ, व्यक्ति भी गिरा और उसके काफ़ी चोट लगी, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, उसने विदाउट पे लीव ली, और इन सब के आधार पर उसने 3 लाख का कंपेंसेशन का दावा किया, और व्हीकल कंपनी जो थी उसने जब उसकी रिपेयरिंग इत्यादि कर दी तो उसका बिल 35,000 का आया। तो टोटल खर्चा मेडिकल ट्रीटमेंट का और बाइक को बिल्कुल पूर्ववत स्थिति में लाने का 3,35,000 हो गया। अब 2 लाख रुपए तक ये जो दायित्व का निर्वाह बीमा कंपनी कर देगी, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए का आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया हुआ है। तो ऐसा ही कई बार व्यक्तिगत जोखिमें भी होती हैं, जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, किसी की आकस्मिक रूप से नौकरी चली जाए, आपके किसी महत्वपूर्ण, आपका मान लीजिए आप कंपनी के MD हैं और कंपनी के किसी की पर्सन की जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अभी आपने देखा HDFC बैंक के केस में, इंडसइंड बैंक के केस में, जैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट में परिवर्तन हुआ, एक बार मार्केट में ये हो गया कि पता नहीं अब क्या होगा, और इनके शेयर्स डाउन आ गए। तो ऐसी स्थिति में एक बार व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है तो आप इसका बीमा करा सकते हैं कि ऐसी जोखिम अगर उत्पन्न होती है तो हम उसका बीमा कराना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जोखिम की, भौतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक जोखिम है। भौतिक जोखिमें जो कि स्पष्टतः उत्पन्न होंगी और उन पर आपका कतई नियंत्रण नहीं है, और आपको नुकसान जो भी होगा वो गिवन होगा, आपको उसको झेलना ही होगा, जैसे प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक आपदाएं, तूफान है, भयंकर अग्निकांड हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो ये सारी चीज़ें। और सामाजिक जोखिमें वे होती हैं जैसे कि किसी व्यक्ति की लापरवाही से, कर्मचारियों की हड़ताल से, दंगों से, इनसे आपके दुकानों को, प्रतिष्ठानों को, घरों को नुकसान पहुंच गया, गाड़ियां तोड़ दी, जैसा कि अभी दिल्ली में दंगों के समय आपने देखा होगा। आर्थिक जोखिमें वे होती हैं जैसे कि मान लीजिए आपका उत्पादन प्रक्रिया ऑब्सोलीट हो गई, या मांग अचानक जैसा था आपका माल डंप रह गया और माल बिका नहीं। अब इसका आप बीमा, अगर बीमाकर्ता तैयार हो तो ही करा सकते हैं, अन्यथा नहीं करा सकते।
या रेसेशन ट्रेंड आ गया तो, या अचानक चीज प्रचलन से बाहर हो गई, या किसी देश जो कि आपसे आयात करता था और आपने निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना डिमांड फोरकास्ट किया था और उसके अनुसार उत्पादन कर लिया, लेकिन अचानक उस देश ने सारे आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया तो आपका माल पड़ा रह जाएगा। जैसे कि अभी आप देखते हैं अपन ने चाइना के बहुत सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐसा भी कह दिया है कि यथासंभव चाइना से आयात नहीं करना है। अब बहुत बड़ी मात्रा में हम चीज़ों को चाइना से आयात करते थे, अब ऐसी स्थिति में वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए एक सेटबैक, और ऐसी स्थिति में जो उनको लॉस होगा अगर उन्होंने इसका बीमा करा रखा है आर्थिक बीमा ऐसी जोखिम का, तो उनको निश्चित रूप से बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति करती है। फिर होती हैं स्थिर एवं गतिशील जोखिमें। स्थिर जोखिमें तो वे जो कि विद्यमान हैं और कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं, और गतिशील जोखिमें वे होती हैं जो कि डायनामिक्स के कारण उत्पन्न होती है, परिवर्तनशीलता के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मांग में परिवर्तन, इच्छा में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, उत्पाद की तकनीक में परिवर्तन और विभिन्न देशों के संबंधों में परिवर्तन, ये सारी जो जोखिम हैं इनके कारण उत्पन्न होती हैं। अब आप ये बताइए, एक दवा कंपनी की दो दवाएँ हैं जिनको कि अचानक ड्रग कंट्रोलर ने बैन कर दिया, ऐसा पाया गया कि उस साल्ट का साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है और उन दवाओं को बैन कर दिया। अब अचानक जितना लॉट मार्केट में है वो सारा बेकार हो गया और वो सारी पूंजी का आपको लॉस हो गया। ये किसी भी दवा कंपनी के साथ कभी भी हो सकता है, तो वो इस चीज़ का बीमा अगर करा लेती हैं तो ये गतिशील जोखिम के श्रेणी में आएगा। फिर होती हैं आधारभूत या विशिष्ट जोखिमें। आधारभूत जोखिमें तो वे होती हैं जो कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण ना तो उत्पन्न होती हैं और ना ही किसी इंडिविजुअल को प्रभावित भी करती हैं, ये इन जनरल होती हैं जिनको कहते हैं ना जनरल रिस्क। ये जोखिमें ऐसी होती हैं जैसे कि मान लो पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, अब मंदी से एक व्यक्ति तो त्रस्त है नहीं। आज आप देखिए, आप मैं नौकरी पेशा कोई भी व्यक्ति, रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, बड़े से बड़ा धनवान व्यक्ति, जो लोग अपनी कोठियां बंगले किराए पर नहीं देते थे उन्होंने टूलेट के बोर्ड लगा दिए, क्यों? क्योंकि मंदी से हर एक व्यक्ति प्रभावित है। टैक्सी वाले, उनकी टैक्सियों के लिए बुकिंग नहीं आ रही, होटलों में कमरे बुक नहीं हो रहे, तो ये सारे जो परिवर्तन हैं जैसे तेजी है, मंदी है, उपद्रव, ये सारी विद्यमान जोखिम है, कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। और विशिष्ट जोखिम, और ये न केवल कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं बल्कि ये जनरल टाइप ऑफ रिस्क हैं जो किसी एक व्यक्ति को अटैच नहीं कर सकते कि इसके कारण उत्पन्न हुई, नो। अब दंगा हो गया, जैसे कहते हैं ना मॉब मेंटेलिटी, मॉब में आप किसको तो उत्तरदायी ठहराएंगे कि क्या हुआ, कि भीड़ आई उसने आग लगा दी। भीड़ मीन्स भीड़, नो वन कैन बी ब्लेम्ड फॉर दिस इंसिडेंस। एक विशिष्ट व्यक्ति को अपन नहीं कह सकते, ये जरूर कह सकते कि एक विशिष्ट व्यक्ति भी उस भीड़ का पार्ट था, लेकिन वो व्यक्ति संदेह का लाभ लेकर अपने आरोप से बरी हो सकता है, अपने पर लगे आरोप से बरी हो सकता है, क्योंकि भीड़ ने लगाई आग, उसी व्यक्ति को कैसे आप आरोपित कर सकते हैं। विशिष्ट जोखिमें जरूर ऐसी होती हैं जो कि एक विशेष व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती हैं और इनमें एक व्यक्ति विशेष को अटैच किया जा सकता है कि वो इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे कि वो इसके लिए जिम्मेदार है या वो इस जोखिम का कारण है। जैसे कि मान लीजिए परिवार का मुखिया की मृत्यु हो जाए, या जिस मकान में आप रहते हैं उसमें अचानक आग लग जाए, अब आप कहाँ जाएंगे, तो ये व्यक्ति विशिष्ट जोखिमें कहलाती हैं। फिर होती हैं परिकल्पित जोखिमें एवं शुद्ध जोखिमें। अब परिकल्पित जोखिमें क्या होती हैं, आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उड़ता तीर लेना। उड़ता तीर लेना क्या होता है, ज़बरदस्ती का दाव खेलना, मतलब कोई चीज़ आपके लिए जोखिम थी नहीं, आपने जोखिम को गले लगाया, आपने चलाकर जोखिम को बुलाया है। आप जोखिम को चलाकर गले क्यों लगाते हैं, अप्रत्याशित लाभ की चेष्टा में।
हो सकता है आपको इस कारण से अप्रत्याशित हानि का भी सामना करना पड़ जाए। परिकल्पी या स्पेक्युलेटिव जोखिम है जिनको कहते हैं। अब स्पेक्युलेशन वर्ड अगर आप इंग्लिश में सुने तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि स्पेक्युलेशन है ये, तो इसमें कोई तार्किक आधार नहीं होता और इसमें लाभ और हानि दोनों की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। आप देखिए कि परिकल्पी जोखिम, मान लीजिए आपने ये कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, आपने कहा इंडिया जीतेगी, अगले ने कहा पाकिस्तान जीतेगा। अब दाव अगर लगा दिया आपने इंडिया के हारने से, आप बेचैन, इंडिया के हार की संभावना जरा सी भी उत्पन्न होती है, एक एक बॉल पर आपकी हार्ट बेट ऊपर नीचे होती है, क्योंकि अगर इंडिया हार गया तो आपके चपेट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हो जाएगी। और जैसे ही जीतने लगेगा आपको तो अप्रत्याशित आर्थिक लाभ होगा, लेकिन दूसरे पक्षकार को अप्रत्याशित आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ेगा। अब जैसे अपन किसी भी चीज़ में सट्टा जिसको कहते हैं अगर करते हैं, तो मान लीजिए मैंने भविष्य में सोना दिसंबर 2020 में तय किया, 15 दिसंबर 2020 को मैं डिलीवरी लूँगा 55,000 रुपये 10 ग्राम के रेट से। अब मान लीजिए सोना उस दिन 45,000 रुपये हो जाता है तो मेरे को तो 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का चोट लग गई या अप्रत्याशित हानि हो गई। लेकिन गलती से सोना उस दिन 75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाता है, मेरे को 20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का अप्रत्याशित लाभ मिल गया। बताइए इन दोनों ही केसेस में कहीं मेरा नियंत्रण था? मैं ना तो भाव को कम होने से रोक सकता था और ना ही बढ़ने से रोक सकता था, मैं केवल उसको जो हो रहा है होता देख सकता हूँ। और चूंकि मैंने दाव लगा दिया, अब मेरा रोज निगाह उस सोने के भाव पर रहती है, कम होता है तो, ज़्यादा होता है तो, और मेरा धड़कन बढ़ती रहती है, ज़्यादा होकर कम हो जाता है तो भी मैं परेशान, लाभ कम हो गया, और नेगेटिव चला जाता है मेरे लगाए हुए भाव से तो मैं और ज़्यादा परेशान कि ये क्या हो गया, कहीं मेरे पैसे नहीं लग जाएं। जैसे जैसे वो कम होता जाता है मेरा घाटा, काल्पनिक घाटा बढ़ता चला जाता है। तो इनको कहते हैं परिकल्पी जोखिम है। अब परिकल्पी जोखिमों की अगर अपन इनको देखें तो इसकी विशेषताएं क्या हैं कि इसमें लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। अब एक व्यक्ति को इसमें लाभ होता है और एक को हानि होती है, तो ऐसी जोखिमों का मापन तो किया नहीं जा सकता क्योंकि ऐसी जोखिमों के घटित होने या नहीं घटित होने के संबंध में कोई तार्किक सूचनाएँ उपलब्ध नहीं होती। और ऐसे जो जोखिम होते हैं, परिकल्पी जो जोखिम होते हैं, ये बहुत ही अवांछित हैं। हालांकि कुछ दशाओं में स्पेकुलेशन अलाउड है, लेकिन सामान्यतः ऐसा अलाउड नहीं है। जिसमें अलाउड है उसमें तो इसको कहेंगे व्यवसाय, जिसमें अलाउड नहीं है उसमें इन ऐसे व्यवहारों को कहेंगे जुआ। तो बीमा ऐसी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। सुरक्षा प्रदान करने का तो मतलब ये हुआ कि बीमा आपको अप्रत्याशित लाभ कमाने में मदद कर रहा है। मैं कोई भी दाव लगाऊं, अगर जीत जाऊं तो पैसा आ ही गया, हार जाऊं तो पैसा बीमा कंपनी देगी, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसी जो जोखिमें होती हैं वो बीमा योग्य नहीं होती हैं। ऐसी जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो हेजिंग ट्रांजेक्शन्स भी कर लेते हैं। हेजिंग ट्रांजेक्शन्स वो होते हैं जो जिसको कहते हैं ना कि भाई लॉस को काउंटर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, कभी सेफ्टी के लिए ये भी कर रख लेते हैं ताकि लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हो या हो तो स्क्वायर अप हो जाए, तो इनको हेजिंग ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं। लेकिन ये हेजिंग ट्रांजेक्शन्स और लॉस, जैसे आप मान लीजिए शेयर मार्केट में होते हैं स्पेकुलेटिव सौदे, तो वहाँ हेजिंग के ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। तो जोखिम के विपरीत प्रभाव को समाप्त करने की लागत जो होती है वो बहुत प्राय अधिक होती है और इसे प्रीमियम कहते हैं। तो ऐसे जोखिम की सुरक्षा अपन कर तो लेते हैं हेजिंग ट्रांजेक्शन से, लेकिन इससे लाभ की संभावनाएं न्यूनतम या समाप्ति हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कई जने होते हैं जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स करना पसंद करते हैं और रिस्क लेते हैं। तो उनसे अगर पूछें वो रिस्क क्यों ले रहे हैं, तो हो सकता है वो कह दें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट
रिस्क इज रिवार्ड अगेंस्ट ओह सॉरी प्रॉफिट इज रिवार्ड अगेंस्ट रिस्क बियरिंग, तो कि लाभ तो उसी को मिलेगा जो जोखिम वहन करेगा, ठीक है, परिकल्पित सौदों में प्राय यही होता है। दूसरी होती है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क वो होती हैं जो वस्तुतः विद्यमान होती हैं पक्षकार के साथ, क्योंकि इसमें वो रिस्क का मतलब हुआ कि उसको अगर जोखिम उत्पन्न हुई तो हानि ही होगी और लाभ तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि रिस्क उत्पन्न नहीं हुई तो उसे लाभ होगा, वो पूर्ववत स्थिति में रहेगा, लेकिन उत्पन्न हो गई तो हानि होगी। तो ऐसे संबंध में अगर कोई व्यक्ति शुद्ध जोखिम है, जैसे यदि मैं मेरे मकान में रह रहा हूँ और मेरे मकान का चोरी बीमा कराता हूँ तो इसमें जोखिम शुद्ध है, क्योंकि अगर मेरे मकान में चोरी हो जाती है तो मेरा आर्थिक कल्याण होगा और उसकी पूर्ति मैं नहीं कराऊँ तो मैं कई दिन हो सकता है तनाव की स्थिति में रहूँ, और चोरी अगर उल्लेखनीय अमाउंट की हो गई है तो हो सकता है मेरी मानसिक दशा ही खराब हो जाए। तो ये जो जोखिमें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं मेरे जीवन का बीमा कराता हूँ, ये शुद्ध जोखिम है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि अगर मैं ही नहीं तो मेरे पीछे वालों की फिर आय का रेगुलर इनकम जिससे कि आज एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सक रहे हैं उसका क्या होगा, वो कहाँ से धनोपार्जन करेंगे, जीविकोपार्जन करेंगे, क्योंकि मान लो बच्चे अगर अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि कमा सकें, जो वाइफ हैं वो मान लो शुद्ध गृहिणी थी तो मेरे को लगता है कि मेरे को मेरे जीवन का बीमा करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ये शुद्ध जोखिम है। तो मैं अगर मेरी दुकान का बीमा कराता हूँ तो ये तो शुद्ध जोखिम है, क्योंकि दुकान नहीं रहेगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, बिजली गिर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, किसी भी चीज़ से जोखिम से उत्पन्न हानि होगी तो मेरे को व्यक्तिशः नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। तो ये तो संभावना है, नहीं होगी अगर कोई जोखिम उत्पन्न, जैसे मैंने अग्नि बीमा कराया, आग नहीं लगी तो बढ़िया है, मैं जैसा था वैसी स्थिति में बना रहूँगा, चलता रहूँगा, लेकिन अगर लग गई तो मुझे क्षति होगी, यानी इसमें लाभ की संभावना नहीं है। जबकि परिकल्पित जोखिम में या तो अप्रत्याशित लाभ ही होगा या अप्रत्याशित हानि होगी, दोनों की संभावनाएं बराबर होती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि बीमा किसका होता है, बीमा केवल शुद्ध जोखिमों का कराया जा सकता है, लेकिन शुद्ध जोखिमों के संबंध में एक बात और है कि जिन शुद्ध जोखिमों का ठीक ठीक मापन संभव नहीं होता उनका भी बीमा नहीं हो सकता, लेकिन उनका बीमा फिर एक निश्चित अमाउंट का कर लिया जाता है, वो अमाउंट आपको दे दिया जाता है। तो शुद्ध जोखिम बीमा योग्य जोखिम भी कहलाते हैं। अब बीमा के योग्य तथा बीमा अयोग्य जोखिम है, इनका भी अलग से अपन वर्गीकरण देख सकते हैं। बीमा के लिए अयोग्य जोखिम है कौन सी हैं, ऐसी कुछ जोखिम हैं या विषय वस्तुएं हैं जिनका कि बीमाकर्ता बीमा करते ही नहीं है, जैसे कि कैंसर का रोगी है, अब उसका जीवन बीमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज या कल मतलब तुरंत या तनिक विलंब से घटना घटित होना अवश्यंभावी है, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट लॉस होगा उसको क्यों बुक करूंगा, तो मैं ऐसी जोखिम का बीमा नहीं करूंगा, चाहे मैं कितना ही प्रीमियम चुकाने के लिए राजी नहीं हो जाऊं, बीमित कितना ही प्रीमियम चुकाने के लिए राजी नहीं हो जाए। इंश्योरेबल जो रिस्क होते हैं वो शुद्ध रिस्क होते हैं, अब इनको भी अलग अलग आप देख सकते हैं, इनमें भी जैसे कुछ होते हैं स्टैंडर्ड रिस्क, जिनमें कि बहुत ज़्यादा भी बीमाकर्ता के लिए जोखिम नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, इनको प्रमापित बीमित विषय वस्तु कहते हैं। अब जो व्यक्ति औसतन अच्छी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का है वो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैटर है जीवन बीमा के लिए, कुछ होती हैं घटिया जोखिम है सब स्टैंडर्ड रिस्क, जिनमें कि औसत रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और बीमाकर्ता के लिए अधिक प्रीमियम पर इसका बीमा करना ही संभव होता है, या फिर ऐसे प्रस्तावों को कई बार वो ठुकरा भी सकता है। घटिया जोखिमों को भी अपन ये देख सकते हैं कि स्थायी रूप से घटिया या जोखिम युक्त विषय वस्तुएं होती हैं,
जैसे कि जीवन बीमा अगर अपन कर रहे हैं तो व्यक्ति गूंगा है, मान लीजिए कोई संकट आसन्न है, उसको कोई मान लो वो चिल्लाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है किसी को, अगर वो कह सकता चिल्ला सकता तो शायद बच जाता, लेकिन उसका गूंगापन उसके लिए घातक हो गया और वो घटना उसके साथ घटित हो सकती है। या दूसरा उसे कोई सचेत करना चाह रहा है कि ऐसा मत कर, देख वहाँ ये है, देख वहाँ वो है, लेकिन वो तो बह रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो ऐसी स्थिति में ये जो होती हैं ये अत्यधिक स्थायी जोखिम ग्रस्त विषय वस्तुएं होती हैं। मिर्गी का दौरा आता है, कभी भी किसी भी भयंकर जगह आ सकता है, चलती ट्रेन में दरवाजे पर खड़ा है, आ गया तो गिर जाएगा। तो ये स्थायी जोखिम युक्त विषय वस्तुएं कहलाती हैं। फिर होती है उत्तरोत्तर या वृद्धिशील जोखिम ग्रस्त वस्तुएं, विषय वस्तुएं। ये जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट की डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, अब इनमें से कई तो 80-85 साल तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आया आप सुनते हैं कि भाई ये 85 साल के हैं, इनको 3 बार हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन आ चुका है, जी रहे हैं, 85 साल के हो गए और 40 साल की उम्र से इनको डायबिटीज़ है, ठीक है। लेकिन कोरोना के काल में आपने कई ऐसे भी सुने होंगे कि ये चूँकि डायबिटीज़ के मरीज थे इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा और इनकी डेथ हो गई। तो वहाँ डायबिटीज़ मृत्यु का कारण बन गई और कई बार नहीं भी बनती है। तो इनको कहते हैं उत्तरोत्तर हासिल, उत्तरोत्तर वृद्धिशील जोखिमग्रस्त वस्तुएं। मतलब जैसे जैसे आयु बढ़ेगी आप उक्त रक्तचाप से आपके साथ कैजुअल्टी होने की संभावना ज़्यादा है, मधुमेह से आपके साथ कैजुअल्टी होने की संभावना ज़्यादा है, संभावना क्रमशः बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ। उत्तरोत्तर राशिल जोखिमग्रस्त वस्तुएं जिनमें कि समय के साथ साथ जोखिम की मात्रा भी बढ़ती चलती है, उनको वो ही कह सकते हैं। एक होती हैं सुपर स्टैंडर्ड रिस्क वाली वस्तुएं, जो कि उत्तम प्रमापित जोखिम वाली वस्तुएं भी या प्रेफर्ड रिस्क वाली वस्तुएं भी कहलाती हैं। बीमाकर्ता ऐसी जोखिमों का बीमा करने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते क्योंकि बहुत कम प्रीमियम पर ही कोई इनका बीमा कराएगा, और अगर मैं बहुत कम प्रीमियम पर बीमा करूँगा तो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे वगैरह निकालने में मेरे को असुविधा होगी। तो ऐसी जो अति स्टैंडर्ड रिस्क वाली विषय वस्तुएं होती हैं, अलबत्ता तो बीमित भी उनका बीमा नहीं कराना चाहते क्योंकि अनावश्यक प्रीमियम क्यों दें जब रिस्क न्यूनतम है तो, और अगर करा भी लेते हैं तो बहुत कम प्रीमियम देने को तैयार होते हैं, इतना कम कि वो बीमाकर्ता के लिए अफोर्डेबल नहीं होता अपने सारे खर्चे निकालने के लिए। थैंक यू।